मैंने ऐसे नगर सेवक देखे है कि दो तीन साल में बस फॉर्च्यूनर खरीदते हैं। अरे इनको क्या, हम तो मतदान को खरीद लेंगे। मतदारों, उनको लगता है मतदार की औकात क्या है, लेकिन अब उनकी औकात क्या आपको बताने का वक्त आ गया है। आज भी पानी नहीं आता है, अगर पानी 9 दिन के बाद भी आया तो 4 घंटे 5 घंटे पानी मिलता है उनको। पानी की बहुत समस्या है। उससे ज्यादा कहीं भी नहीं है, लेकिन हाल के जिम्मेवार कौन है? हम ही है। इस हाल के जिम्मेवारी हमारी है, क्योंकि हमने ऐसे लोगों को चुन के दिया कि चुनने के बाद, यानी वार्ड के नगर सेवक बनने के बाद आपको मिलने को आते ही नहीं। वो मैंने ऐसे नगर सेवक देखे है कि 2-3 साल में बस फॉर्च्यूनर खरीदते हैं और कांच ऊपर चढ़ाते हैं, कांच नीचे आती ही नहीं। वो बराबर है ना? देखो ये अभी तक 37 साल हमने जो गलती है की 37 ईयर्स, वो गलती के सुधारने की हम अभी मौका आपको दे रहे हैं। ये देश में एक ही पार्टी है, आम आदमी पार्टी, जो सिर्फ विकास का एजेंडा लेकर चलती है। कल परसों दिव्य मराठे में हमारा इंटरव्यू हो गया, हमारे स्टेट के लोग भी थे। मैंने वहां कहा अभी हमें झंडे की जरूरत नहीं, हमें एजेंडे की जरूरत है। झंडे तो बहुत हो गए, हर कलर के हो गए, लेकिन दोस्तों झंडों से कुछ नहीं होता। जिसके पास विकास का एजेंडा नहीं है वो कुछ नहीं करेगा, बस 4 साल वो मजा करते रहेगा और 6 महीने पहले आएगा और फिर वही बताएगा आपको पैसे, कुछ उम्मीदवार पैसे बांटते हैं, दारू देते हैं, मटन देते हैं, क्या करते हैं। और ये ऐसा क्यों करते हैं? उनको कॉन्फिडेंस है कि हम खरीद देंगे लोगों को। सुनिए मेरी बात, आपको मैं बता रहा हूँ, लोगों को ये पता हो गया है। अरे इनको क्या, हम तो मतदान को खरीद लेंगे। मतदारों, उनको लगता है मतदार की औकात क्या है, लेकिन अब उनकी औकात के आपको बताने का वक्त आ गया है। कायन बाजी, यहाँ के इस वार्ड के उम्मीदवार, वार्ड क्रमांक 59 के उम्मीदवार शाहीन बाजी और वार्ड नंबर 46 के उम्मीदवार फरोज पटेल। केजरीवाल साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। देश का नेता कैसा हो, देश का नेता कैसा हो, आम आदमी पार्टी का, आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी। अफरोज पटेल तुम्हारे मोबाइल में तुम्हारे देखो ना, सरकार करे माने शुक्रिया, शुक्रिया मेहमानों का, शाहीन बाजी की गाने से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। हाँ, अस्सलाम वालेकुम, मैं शाहीन अब्दुल बासित शेख, मैं वार्ड नंबर 59 बारी कॉलोनी से इलेक्शन की उम्मीदवार हूँ आम आदमी पार्टी से।
आज जो कार्यक्रम हुआ, आज जो कार्यक्रम हुआ उसमें माने साहब डॉक्टर सुभाष माने ने मुझे ये वार्ड के लिए घोषित किया है और वार्ड नंबर 59 से बारी कॉलोनी और हमारे आशीर साहब सेक्रेटरी इसाक अंडे वाले साहब आए थे और हमारे जितने भी वरिष्ठ थे और यहाँ पे एक छोटा सा कार्यक्रम हुआ उन्होंने यहाँ पर आके मेरी हौसला अफजाई की उसके लिए मैं उनके शुक्रगुजार हूँ। पढ़ाई कहाँ तक है आपकी? मेरी पढ़ाई एमए है उर्दू से मुंबई से। पार्टी ने आपको जिम्मेदारी दी है उसको आप निभा सकते हैं क्या? मैं 2016 से आम आदमी पार्टी से जुड़ी हुई हूँ और मैं यहाँ के शहर के लेवल पे मैं काम कर रही हूँ। कितने साल से आप करते समाज से? 2016 से कर रही हूँ। आपने क्या क्या समस्याओं में काम करा? मैंने जो पुरानी पार्टी थी उनके साथ जो राशन के लिए की हूँ, कचरे के लिए की हूँ, पानी की टाकियाँ जो जर्जर हो गई थी उसके लिए की हूँ, निवेदन दिए हम उन्होंने काफ़ी टाइम हमने जाके कचरे के लिए कहा, पानी के लिए कहा, जो पानी वाड़ों में पानी सही तरीके से नहीं आता है, कचरा है, गंदगी है, खास करके उसके लिए हमने बहुत कोशिशें की है। वार्ड की वजह से क्या क्या विकास करेंगे? हम तो सबसे पहले स्कूलों के लिए करेंगे, जिस तरह दिल्ली का ये है मॉडल चल रहा है उसी तरह इसके लिए स्कूलों के लिए हॉस्पिटल्स और अच्छी एजुकेशन, जितनी हो सके अच्छी लड़कियों को लड़कों को अच्छी एजुकेशन और अपना ये पानी का कचरे का जो ये आज औरंगाबाद का एक पहचान है कचरे के शहर से। मैं चाहती हूँ कि देखो अभी आप लोग आए वो भी देखे रहेगा कि कितना गंदगी है, जो हो चुका उसको भूल जाने का नए सिरे से शहर को आगे बढ़ाने की कोशिश करना है। लड़कियों की शिक्षा के लिए क्या है आप क्या करने वाले? लड़कियों की शिक्षा के लिए सबसे पहले तो जो स्कूल की कंडीशन है उसको हमने सही करना है, क्योंकि बहुत है ना एजुकेशन का म्यार जिस तरीके से होना चाहिए जहाँ मेट्रो सिटी में होता है इस तरीके से हमारे औरंगाबाद में नहीं हो रहा है। बहुत ही जैसे कि माँ बाप उस तरीके से बच्चों को एजुकेशन नहीं करते, क्योंकि 12वीं कराने के बाद मोस्टली बच्चों को शादी कर देते और कुछ जगह तो ऐसा है कि ना SSC की बच्चियों को निकाल के शादी कर रहे। वार्ड के अंदर अभी क्या क्या काम बाकी आपके? हमारे वार्ड के अंदर तो पहले पानी की समस्या है, 9-9, 10-10 दिन के बाद पानी आता है। तो आपके जीत के आने के बाद ये समस्या जो है वार्ड की हल करेंगे इंशाल्लाह? अगर लोगों ने मुझे चुन के लाया तो मैं अपने तरफ से सारी कोशिशें करूंगी। तो और सबसे वार्ड के लोग आपके साथ में? अभी तो मैं उनसे जा रही हूँ, डोर टू डोर मिल रही हूँ, मुलाकात कर रही हूँ, तो बोले कि हम आपके साथ है। माने साहब ने अभी कहा कि जब नगर से चुन के आ जाते हैं उसके बाद गाड़ी की कांच ऊपर से नीचे नहीं होती है, तो आप क्या करेंगे? नहीं, मैं तो बाइक के अलावा मैं दूसरे गाड़ियों को मैं अहमियत ही नहीं दूंगी। जो मेरे आदमी की गाड़ी है मैं उस पर बैठ के सफर करूँ, क्योंकि मैं लोगों से ना मुझे चुन के आया मेरे को उनसे क्या डर है कि मैं गाड़ी की कांच लगा के जाऊँ या मुझे बॉडी गार्ड्स की ज़रूरत है? ये तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि मैं उन लोगों से आई हुई ना और मैं बीच के गरीब लोगों के बीच से आई हुई हूँ। मैं कोई आप उपलब्ध रहेंगे? मैं 24 घंटे उपलब्ध रहूँगी, आपको जब चाहिए मैं आपको मैं ऑफिस खोल के बैठूंगी, आप जब चाहे मुझसे मुलाकात कर सकते हैं, रात दिन आपकी वार्ड की सेवा के लिए मैं ये कर दी हूँ। यहाँ के पहले जो नगर सेवक थे उनका काम बाकी है अभी क्या पूरा करे अभी तक उन्होंने? नहीं, उनका कोई भी काम नहीं हुआ है। मैं जब निकली हूँ तो उन्होंने बोले कि ये अपना गली नंबर तारपत्री वाले के बाजू की गली है, उनके ड्रेनेज का प्रॉब्लम था, उनके उधर आज भी पानी नहीं आता है। अगर पानी 9 दिन के बाद भी आया तो 4 घंटे 5 घंटे पानी मिलता है उनको, पानी की बहुत समस्या है। पाइपलाइन खराब बचत गट के लिए क्या है आपके पास में ऐसा कुछ नया महिलाओं के लिए? तो पहले तो उनको ना कुछ घरेलू रोजगार की योजना निकलनी चाहिए और जो 60 साल के बुढ़िया ये बड़ी बुजुर्ग ये है जिनकी पेंशनें बंद हो गई है उनको मैं चाहती हूँ कि वापस से पेंशन चालू हो गए, और बेवाओं के लिए कुछ मदद हो, गवर्नमेंट से बोलो या कॉरपोरेशन से बोलो, कुछ हेल्प होनी चाहिए हमारी बेवाओं के लिए और जो कम उम्र में लड़की बेवा हो जाती है। और हाँ, सबसे पहले शादियों का जो प्रॉब्लम है, जो शादियाँ नहीं होती, दहेज नहीं दे सकते, उसके लिए मैं कोशिश करूँगी कि एक है ना सब मिलके एक बच्चियों की शादी के लिए कुछ अरेंजमेंट करें। औरंगाबाद के सारे न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए औरंगाबाद अपडेट्स औरंगाबाद अपडेट्स रॉक्स। हेलो दोस्तों, मैं हूँ राकेश बेदी और मेरी तरफ से औरंगाबाद अपडेट्स को बहुत बहुत शुभकामनाएं, नए साल की शुभकामनाएं और अच्छे अच्छे काम करते रहने उसके मेरी बेस्ट विशेस। नमस्कार, मी संजय शिंदे, औरंगाबाद अपडेट्स ला माझा मनपूर्वक शुभेच्छा। औरंगाबाद अपडेट्स तुम्ही जरूर वाचत रहा, बघत रहा, ऐकत रहा।
धन्यवाद।